तो वेलकम टू द फर्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलोड बाय ट्रिग्नोमेट्री फॉलोड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉलोड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉलोड बाय स्लोप कैलकुलेशन, है ना। काफी कुछ चीजें हम लोग टूल्स देखेंगे और थोड़ा सा फंडामेंटल सब वेक्टर देखेंगे ताकि हमारा जो आगे आगे चैप्टर यूज होगा फिजिक्स में, ये सारा चीजों को मैं यूज करूंगा। ये सारा चीजों को बिना यूज किए जो पढ़ाई है वो आपकी स्कूल लेवल की पढ़ाई है। ये सबको यूज कर देने से थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, सेम चीज नहीं, ठीक है। तो पहला क्लास ही शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विथ पाइथागोरस थ्योरम। नाम तो सुना होगा, क्या आप जानती हो इस साइंटिस्ट के बारे में? पाइथागोरस थ्योरम, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी है, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी भी है। कहानी ऐसा है कि ही वॉज ए मैथमेटिशियन, ठीक है, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, शायद ग्रीस के थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। बट देन जब भी कोई दूसरा कंट्री को इन्वेड करना चाहता ना, पहला चाहता है उसका एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर दे, तो फिर लोग क्या होंगे, लोगों के पास कोई दिमाग नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, है ना। वो लोग अच्छे अच्छे वेपन्स लेके या कुछ लेके अटैक कर सकते हैं। जब अंग्रेज लोग भी आए थे वही कर रहे थे, हमारा पूरा सिलेबस को पहले चेंज कर दी, है ना। तो जब उसको उस कंट्री को कोई अटैक करने आया, किंग ऑर्डर दिया कि जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं, जीनियस लोग हैं, सबको खत्म करो पहले, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है पहले उनको चुन चुन के मारो, सारे डॉक्टर इंजीनियर जितने उनको मार दो, तो सारे मर जाएंगे, तो कौन पढ़ेगा, NIT चलेगा कैसे, IIT चलेगा कैसे, है कि नहीं, सारे को मारो। तो फिर गए, कोई बोला कि इनका नाम बहुत बोला बोला था तब पाइथागोरस का, तो ये ही वॉज लिस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट द अदर कंट्रीज डूइंग, और समुंदर किनारे बैठ के कुछ कर रहे थे अकेले में। कोई आया पीछे से उनको दो टुकड़ा कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑर्डर आया कि वो लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे थे, डाटा लेके आओ, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये रेत पे कुछ लिख रहे थे और जो लिखे थे वही था पाइथागोरस थ्योरम, मतलब उनकी मरने के बाद वो थ्योरम निकल के आया। उनका थ्योरम इतना पावरफुल हो जाएगा, साइंस का एक बेसिक टूल बन जाएगा, ये किसी को उनको भी मालूम नहीं था, उनके मरने के बाद ही वो थ्योरम इतना पावरफुल हुआ। और थ्योरम ऑलमोस्ट सबको मालूम है, लेकिन उसका प्रूफ इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, देयर आर सेवरल मेथड्स, बट देन प्रूफ कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, है ना। एनीवे विल स्टार्ट विद, चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है। बोलते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है, लिखते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एज शोन, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे शो करता हूं, यू गेट ट्रायंगल, सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी, यू क्लियरली सी दैट द एंगल बी इज 90 डिग्री, है कि नहीं। अच्छा, तो ये जो है, ये थ्योरम कहता है ए बी का स्क्वायर प्लस, मालूम है ना आप लोगों को, बोलो, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ऐसा। अब बिफोर वी गो फॉर दिस प्रूफ, हमें और एक इंटरेस्टिंग चीज देखना है, थोड़ा इनको डिजिग्नेट करना है। अगर हम कहेंगे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ऐसे, सपोज हम कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा है, और इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री दिया है, ये एंगल 90 डिग्री दिया है, कोई एक एंगल दिया है, मेंशन है, सपोज ये एंगल थीटा है, कोई एक एंगल मेंशन है। अगर ये एंगल थीटा है तो ट्रायंगल के तीन साइड है, ये थीटा का सामने जो साइड है कौन सा, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो एंगल लिए हैं उसके साथ एसोसिएटेड दो साइड है, एक छोटा साइड है, एक बड़ा साइड है, छोटे वाले को कहेंगे बेस और बड़े वाले को हाइपोटेन्यूज, ये भी आप लोगों को मालूम है, है कि नहीं। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम पीवीएच को लेके क्या बन रहा है, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम सेज, क्या रिलेशन है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये बनेगा आपका फाउंडेशन फॉर आगे की ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये आपका फाउंडेशन बनने वाला है,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर क्लियर? क्या आप लोगों को इसका प्रूफ आता है? इसके प्लस इसके स्क्वायर इसके आता है, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं आता है तो ठीक है, प्रूफ जानना चाहोगे बहुत आसान है। हाँ, हाउ इट इज डन, लेट्स मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूं। सपोजिंग मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई एक स्क्वायर लेता हूं, आई टेक ए स्क्वायर हियर, ऐसा एक स्क्वायर ले लिया, से दिस इज व्हाट इज ए स्क्वायर, ठीक है, मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये लेंथ को कहता हूं, यहां से यहां तक का लेंथ है पी और यहां से यहां तक का लेंथ है बी, छोटा सा। सिमिलरली ये वाला है b और तो स्क्वायर है तो ये वाला होगा p, इधर अगर p प्लस b है इधर भी p प्लस b, ये टोटल लेंथ हो गया p प्लस b, ये टोटल लेंथ p प्लस b। सिमिलरली यहां पर ले लिया b और यहां पर ले लिया p, सिमिलरली यहां पर ले लिया b और यहां पर ले लिया p, ठीक है, ये तो समझ में आया, मतलब हर एक साइड का लेंथ कितना है p प्लस b, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, इसमें ऐसे जोड़ता हूं, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, क्या ये और एक स्क्वायर बन गया? Yes. और ये PBH वाला ट्रेंगल बन गया, ये B है ये P है तो ये कितना होगा भाई, H होगा ना, ये कितना होगा H, ये भी H, ये भी H हो गया ना। चलिए बड़ा वाला जो स्क्वायर लिए थे उसको नेमिंग कर देते हैं, कैसे, से ए बी सी डी, और छोटे वाले, छोटे वाले को कुछ ले लो, इसको कुछ ले लेते एम एम ओ पी, ठीक है, समझ में आया क्या, इज इट अंडरस्टूड? तो आपको दिख रहा है ना, देर आर फोर ट्रायंगल्स पीबीएच का, देर आर फोर ट्रायंगल्स, ए स्मॉल स्क्वायर altogether they become a big square, मतलब big square area is nothing but small square area plus four triangular areas, है कि नहीं? तो हम कहेंगे सीधे सीधे, हम प्रूफ के जा रहे हैं, प्रूफ पे लिखेंगे, प्रूफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू फोर टाइम्स दी फोर इंटू ट्रायंगल एरिया प्लस एरिया ऑफ फोर टाइम्स ट्रायंगल एरिया प्लस एरिया ऑफ ओहो एरिया ऑफ कौन सा एम एन ओ पी, एम एन ओ पी ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या आप लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो? एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया क्या होगा भाई, स्क्वायर है ना, साइड लेंथ का स्क्वायर, व्हाट इज द साइड लेंथ, पी प्लस बी, तो हम कहेंगे इट इज पी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स ट्रायंगल का एरिया। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया को आप कितना कहोगे? अगर मैं निकालना चाहूंगा ये वाला ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट होगा ना, तो फाइन, तो आप लोगों को समझ में आ गया, इट इज हाफ इनटू बेस हो गया बी और हाइट को क्या ले लेंगे पी प्लस, ये जो छोटा ट्रायंगल है उसका एरिया क्या है, छोटा छोटा स्क्वायर का, छोटा स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हाँ एच का स्क्वायर, सिंपल है एच स्क्वायर। चलिए एक्सपांड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू पी बी हुआ इज इक्वल टू, इधर क्या हुआ देखो तो ये टू टू को खा गया, क्या मिल गया टू बी पी प्लस एच स्क्वायर हुआ क्या, एंड टू पी बी, टू बी पी विल कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मेरी बात सबको समझ में आया, तो कितना आसानी से प्रूफ हो गया, देखो द प्रूफ इज नॉट टफ, हाँ पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टफ लगेगा, नहीं तो इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, प्रूफ हो गया।
यस। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। ओके, तो जैसे प्रीवियस क्लास हम लोग बात किए थे कि खाली जानना काफी नहीं होता है, समझना है। हम लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं और समझ भी गए हैं कि कैसे हुआ, बट उतना भी काफी नहीं है। कोई भी पढ़ाई हम क्यों करते हैं, हमारे काम में लगाने के लिए ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे आप लोग उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ए मैन मूव्स 60 मीटर टू नॉर्थ एंड देन he moves 80 meter to east. How far he is from starting point? अब वो starting point से कितना दूर पे है? क्या आप लोग इसको निकाल सकते हो? कोशिश करो। तो पहला आंसर आया 100 मीटर, दूसरा आंसर आया 10 रूट 10। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक लग रहा है। सोमित बोल रहा है कि 100 मीटर, लेट अस चेक 100 मीटर। यस, देखें अभी हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं यूजुअली कि ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ होता है, होता ना? अच्छा, कोई आदमी गया ईस्ट की तरफ 60 मीटर, तो कैसे गया? यहाँ से शुरू किया, तो पहले ऐसे गया, कितना दूर गया? 60 मीटर। फिर वो ईस्ट की तरफ गया, मतलब बाएं मुड़ा के टाइम मुड़ा, लेफ्ट को मुड़ा, राइट को मुड़ा और गया कितना? 80 मीटर। अब वो आके यहाँ पे पहुंचा। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कितने दूर पे है? हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये पता करना है नहीं? तो ये हमें पता करना है कि कितने दूर पे है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एज सून एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 60 का स्क्वेयर प्लस 80 का स्क्वेयर, दैट इज 3600 प्लस 6400, दैट इज 1000 और एक जीरो, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच कितना होगा? कितना होगा? 100 होगा, 10,000 का रूट ओवर भाई। दिस कैन बी रिटन एज 100 × 100, नो 100 × 100, सो इट इज 100 मीटर। मतलब हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे समझ में? चलिए ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। यस सर। अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं। ट्री वाज ऑफ हाइट 18 मीटर, कोई ट्री था जो 18 मीटर हाइट था, इट ब्रेक्स इट ए हाइट 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, फाइंड it what distance from base, what distance from the tree, the top of the tree will touch ground। क्या पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया? आंसर तो कोई भी निकाल देगा, पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। क्या बोल रहा है? कोई ट्री था, कितना हाइट का था वो? 18 मीटर का था, इट वाज 18 मीटर हाई ट्री।
बड़ा सा तीखा है। हुआ क्या, ये टूट गया कितने हाइट पे, 5 मीटर हाइट पे टूट गया। तो यहाँ से टूटेगा तो है ना, ऐसे किया तो पूछा है कि ग्राउंड उसके ट्री से कितने दूर पे उसका टॉप जो है टच करेगा, क्या आप निकाल सकते हो? 12 मीटर। ये देखो बता दे, कर सकते हो क्या? यस सर। इतना सिंपल है, पहला क्लास क्लास है ना, इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या पता करना है आपको, कितना दूर पे गिरेगा ये पता करना है। आप इसको बेस कह सकते हो, इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, और इसको हाइपोटेन्यूज कह सकते हो। क्या बता सकते हो, हियर हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच? इट इज 18, पूरा था 18 माइनस 5, इट इज 13 मीटर। और परपेंडिकुलर कितना है? 5 मीटर। तो पूछा है बेस कितना होगा, वो तो कोई भी निकाल सकता है। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यस यस यस। तो हम कहेंगे b इज इक्वल टू, और b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। हाँ, तो फिर b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 12। बढ़िया है, आप लोग तो मस्त कर रहे हो, मजा आएगा आगे। तो इसमें से पता चला b इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 144 एंड दैट इज 12 मीटर। तो इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आप लोग कर ली। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, डरना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूम हैज डायमेंशन 10 मीटर × 10 मीटर × 10 मीटर। व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स ऑफ द रूम, ऑफ द रूम, रूम के दो कॉर्नर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? पहले बताओ, मैं क्वेश्चन समझा पाया क्या? द क्वेश्चन इज लाइक दिस, हियर इज ए रूम, है ना, ऐसा है। इसका हर एक साइड का डायमेंशन 10 मीटर है, और यहां पे तो दिख गया ना। अच्छा, मैं अगर यहां पे सारा कॉर्नर को नेमिंग करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो थोड़ा मदद करो मेरा बताने में कि कॉर्नर ए से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा कॉर्नर है? जी से क्या हम बोल रहे हैं कि अच्छा, ए से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा कॉर्नर है? सबसे ज्यादा जी वाला कॉर्नर से, ये वाला कॉर्नर से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा कॉर्नर है? सरी ई, ई सबसे ज्यादा होगा। देखो तो ये इस फेस पे है ना, ये तो यहाँ पे हुआ, हाँ, तो फिर बी हम पूछेंगे ये वाला कॉर्नर से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा, ये वाला होगा थोड़ी, ओ कोना वाला होगा कि नहीं होगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जी से सबसे ज्यादा दूरी पे कौन सा कॉर्नर होगा? जी से सबसे ज्यादा दूर पे कौन सा कॉर्नर होगा? बी होगा। तो लड़का चला के अपना घर में देख लिया, नहीं, हाँ पति चीटिंग, रूम को नहीं देखना था, बोर्ड में देखना था, रूम देख के बता दिया कि सोच लो आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में दो कोने के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? एक इस कोने में होगा तो एक उधर वाले कोने पे होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब जी से सबसे ज्यादा दूर पे बी है,
और दिया है कि इसका हर एक साइड लेंथ कितना है 10 मीटर। बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस जी और बी के बीच में डिस्टेंस बताना है। क्या आप लोग कोशिश करोगे कि मैं करूं? ट्राई यू कैन डू। चलिए देखते हैं। अच्छा पहले सोचो कि ये जो हम दिखा रहे हैं किसी रूम को दिखा रहे हैं, रूम का जी से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में कौन सा कॉर्नर है? बी। तो एज सून बी इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम जी, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट। हमें बीजी निकालना है क्योंकि बी से साथ सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जी है और हमें बीजी पता करना है। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो हम बता देंगे आपको कि ये कैसे बने। अच्छा थोड़ा आप सोचो और इमेजिन करने की कोशिश करो जी सी बी ये तीनों पॉइंट को। थिंक ऑफ ए ट्रायंगल जी टू सी, सी टू बी एंड फ्रॉम बी टू जी। क्या ऐसा आप सोच सकते हैं? यस। समझ में आया क्या? तो ये ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करते हैं तो हम कहेंगे कि हो गया हमारा जी टू सी, फिर आया सी टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू जी। अगर किसी तरह से हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हमारा काम बन जाए। इसमें से कौन सा साइड हमें मालूम है? बीसी। कितना है वो? 10 मीटर। ये हमें मालूम है। क्या पता करना है? बीजी। लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब हमें जीसी पता चलेगा, है ही नहीं? जीसी पता करना है। अब जीसी पता करने के लिए लुक एट जीबीसी ट्रायंगल और जीएचसी ट्रायंगल। जीएचसी ट्रायंगल, आर यू एबल टू इमेजिन? जीएच एंड एचसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज आल्सो ए राइट एंगल ट्रायंगल। जीएचसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप कहोगे जीएचसी कैसे दिख रहा है? हम कहेंगे जी एच सी कुछ ऐसा दिख रहा है। लेट मी शो यू, जी एच सी, जी ऐसा है, एच ऐसा है, है ना, ये ऐसा है, ये जी है, ये एच है, ये सी है कि नहीं? ये एंगल है 90 डिग्री। आर यू डूइंग? फिगर में दिखा रहा, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। GH और HC आपस में परपेंडिकुलर है ना? तो फिर क्या कहेंगे? तो GH कितना है? What is GH? GH is 10. What is SC? SC is 10. तो ये 10 है, ये 10 हो, तो ये 10 पे ना 10 हो जाएगा। कितना होगा ये? GC? हाँ, तो लिखते हैं। 200 का टोटल। Yes, आगे बढ़ते हैं। In GHC triangle. GHC ट्रायंगल में GC इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट ओवर। मैं निकालना नहीं चाहता हूं। आई विल कीप इट लाइक दिस। अच्छा फिर वापस चलते हैं। इन जी बी सी ट्रायंगल निकालना क्या था? GB इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ GC का स्क्वायर प्लस और किसका स्क्वायर? BC का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर। समझ में आया ना? चलो देखो अब GC का स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? GC इज रूट ओवर ऑफ दिस। GC का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, हो गया ना रूट ओवर, उठ गया ये स्क्वायर है, अनदर 10 स्क्वायर, ये वाला होल रूट ओवर। तो आंसर आया 300 जो कि 10 रूट 3 मीटर है।
ये तो आप लोग सीख गए, चलो दिमाग लगा के। अब आपको क्लू याद रखना, क्लू क्या है? फॉर ए रेक्टैंग, फॉर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दूसरी जगह लिखते हैं, जगह नहीं हो रहा है शायद, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया, जो आ गया इसको रखो इधर। मैं अभी कुछ क्लू बनाना चाहता हूँ, मैं क्लू बनाना चाहता हूँ ये कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, सपोज देर इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, फॉर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ ए कॉमा बी कॉमा सी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का तीन साइड ही तो होंगे, नहीं साइड लेंथ एबीसी होंगे, एबीसी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स इज, क्या हुआ बताओ? तो फॉर्मूला देखो, 10 10 10 था ना, क्या गया था? 10 square plus 10 square plus 10 square, अगर वो 10 10 10 नहीं होता, एबीसी होता, तो क्या होता आंसर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ये क्लू को याद रखना है, इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट ओवर। क्या चीजें समझ में आया? वो मतलब ये कंसेप्ट तो है, इसको लेके बहुत सारे किस्म के काम आएंगे। कोई मच्छर रूम के अंदर घूम रहा था, एक कोने से चलना शुरू किया, उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है जब दूसरे कोने में जाएगा? नहीं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ओवर। कोई रूम है, उसके अंदर सबसे लंबा एक डंडा रखना है, कितना मैक्सिमम लंबा डंडा रख सकते हैं? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सेम कंसेप्ट को यू विल बी गेटिंग इन डिफरेंट वेज। समझ में आया? अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको थोड़ा बहुत समझ में सबको आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन को करिए, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ एल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आप लोग सोच सकते हो? रूट 3/4 एल स्क्वायर, वो तो फॉर्मूला जानते हो, प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ करो, फॉर्मूला सबको मालूम है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू डू इट। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया पता करना है, ये हो गया ट्रायंगल, इसका हाँ हाँ बोलिए। हम तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना चाहते हैं, कोई हिरन उरन नहीं जानता हूं। तो अब इसमें हमें पता करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। बस बेस और हाइट पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा ना। बेस और हाइट तो पता करना है। चलो, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये मिड पॉइंट होगा? हाँ, ये एल है, ये कितना है? एल बाई टू। बस ये पता करना है, अगर ये मिल गया, ये मालूम है, हाफ बेस इंटू हाइट विल बी, हाफ बेस इंटू हाइट विल बी द एरिया। निकालो 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 निकालो, समझ में आ गया ना? थोड़ा नेमिंग कर दो तो लिखने के लिए आपको आसान होगा, ए बी सी डी इन ए बी डी ट्रायंगल। किसी तरह से निकालने की कोशिश करो, व्हाट इज बी डी? पी इज इक्वल टू, और बी डी इज इक्वल टू
AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, AD का स्क्वायर मतलब L by 2 का स्क्वायर, L स्क्वायर by 4, थोड़ा सिंपलीफाई किया जाए, ये हो गया 3 L स्क्वायर by 4, तो BD का वैल्यू क्या आया? It is root 3 by 2 L. Yes, half base into height. कोई हिडन फॉर्मूला की जरूरत है क्या? नहीं, जो मालूम है उसी से निकल गया. तो हम कहेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस हो गया एसी इनटू बीडी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर एल स्क्वायर. देखो तो समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे फंस रहे हैं, सर ये कैसे हुआ? L square minus L square by 4, 3 L square by 4 कैसे हुआ, समझ में आया? Yes sir. नहीं आया तो मैथमेटिकल, ये तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है. आपको LCM क्या लेना है? 4. इधर क्या होगा? 4 L square minus L square by 4 is 3 L square by 4. ये तो मालूम होगा 4 minus 1 3 होता है. Draw 4 lines, remove 1. एडवांस कोर्स में तो थोड़ा एडवांस दिमाग की जरूरत है. अच्छा चलो ठीक है. क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. अगला क्वेश्चन आपके लिए. For a regular hexagon of side length L, find area. ये बड़ा खतरनाक लगने लगा. ऐसा चीज तो कोई हमें बताया नहीं, लेकिन आप लोग तो पाइथागोरस थ्योरम जानते हो. yes. जय पाइथागोरस महाराज बोल के शुरू हो जाओ, फटाफट काम बन जाएगा. बस आपको देखना चाहिए कि इसमें जो है, जो आपका हेक्सागन है ना, इट इज बस एज गुड एज कॉम्बिनेशन ऑफ सम ट्रायंगल्स, सम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. यू मस्ट बी एबल टू नोटिस इट, है ना? ये कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम है कि ये बन रहा है. हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स? 6. 1 2 3 4 5 6. सॉरी, इक्विलेटरल है कैसे पता चला? नहीं, साइड. चलो पहले देखो कि इक्विलेटरल है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि ये एंगल जितना होगा ये भी वही होगा, ये भी वही होगा. सारे बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सारे बराबर होंगे. ये टोटल एंगल कितना होता है? 360. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6. 360 बाय 6, ये हो गया 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री हुआ, अच्छा ये साइड तो बराबर होंगे ही होंगे. yes, तो फिर ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60. yes, समझ में आया क्या? yes, तो लिखना है आपको, द हेक्सागन कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 राइट एंगल ट्रायंगल्स. यस, दैट्स ऑल. तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में 6√3/4. द हेक्सागन इज equal to 6 equilateral triangles, each of side length. तो हेक्सागन का, हेक्सागन का अगर साइड लेंथ L है, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या हो गया? L. अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ L होता है, एरिया कितना होता है? रूट थ्री एल स्क्वायर बाई फोर. तो हम क्या कहेंगे? इट इज टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम्स रूट थ्री एल स्क्वायर बाय फोर. क्या बात समझ में आया सबको? मतलब जो एक चीज जानते हैं उसको किसी दूसरी जगह यूज करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. नहीं,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमें मालूम है उसको यूज कैसे करेंगे, है ना। इसलिए मैं पहला क्लास में ही आपको इंपॉर्टेंस दिया था कि जानना काफी नहीं है, समझना भी है और यूज करना है। अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर लाके क्या फायदा। नहीं, मैं जैसे कुछ दिन पहले थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि एक ट्रेडमिल ले आया। जानता था कि ट्रेडमिल अच्छा है, समझता हूँ कि इससे फायदा है, लेकिन यूज नहीं किया तो क्या होगा, कोई काम का नहीं, बेकार गया ना। हाँ, और बेकार गया तो कुछ दिन बाद ट्रेडमिल भी खराब हो जाएगा। जो नॉलेज हमारे पास है हम जिसको यूज नहीं कर रहे वो हमारे काम में नहीं आएगा। सो इन डे टू डे लाइफ यू मस्ट यूज इट, है ना। अच्छा, तो अगला क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली ये क्या बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा थोड़ा आता है क्या? कुछ भी एकदम नहीं? चलो, खाली नाम सुने। ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री क्यों बोलते हैं? मेट्री का मतलब, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलोरीमेट्री, फोटोमेट्री। अब ट्रायंगल और ट्रिगोनो में क्या अंतर है? ट्रिगोन हेक्सागॉन मतलब क्या है, जिसका 6 साइड्स है। ट्राइगॉन मतलब जिसका 3 साइड्स है। ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल है। दोनों बराबर चीज है लेकिन नामकरण तो अपने हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 एंगल है, ट्राइगॉन मतलब जिसमें 3 साइड है। तो बात एक ही हुआ, हम इसको ट्रायंगलोमेट्री भी लिख सकते थे बट लिखे क्या, ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रायंगलोमेट्री लिखने की जगह क्या लिख दिए, ट्रिगोनोमेट्री। मतलब द स्टडी ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन व्हिच हैज गॉट 3 साइड्स, मतलब कोई ट्रायंगल, है ना, कोई ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों को पता है क्या सर? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी आता है, सिमिलरिटी नहीं आता है। आगे आगे बताएंगे हम सब कुछ। अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, पहले कुछ भी मालूम नहीं है। तो आई हैव टू मेक नेसेसरी फंडामेंटल्स, आई टेक केयर यू ऑल्सो बी अटेंटिव इन द क्लास। और जहाँ भी कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज इमीडिएटली से दिस इज नॉट योर स्कूल क्लास और स्कूल टीचर, गुस्से हो जाएंगे। आप 25 बार पूछोगे हम 30 बार बताएंगे, ठीक है सर। आप 5 बार एक्स्ट्रा क्यों बताए, बाई चांस नहीं समझा होगा, 5 बार एक्स्ट्रा ही बता देंगे, ठीक है। तो पूछने में कभी झिझकना मत, हर चीज को खुले से पढ़ना है। और ये जो कोर्स अभी हम शुरू कर रहे हैं ना, तुम लोगों को लग रहा होगा ये पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हैं, मुझे मालूम है कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम लोग जिस लेवल में जा रहे हैं उसका 10 टाइम्स लेवल में जाएंगे, तो उस लेवल तक आपको पहुंचाएंगे। कोई गाड़ी को 90 किलोमीटर स्पीड में लेना है, 90 किलोमीटर पर आवर, शुरू से ही जोर से 90 किलोमीटर लोगे तो टूट नहीं जाएगा। कोई जोर से आएगा, ही मैन आएगा, शुरू से ही 90 किलोमीटर स्पीड में धक्का मारेगा तो टूट जाएगा। उसको धीरे 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 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर करते करते 90 में पहुंचेंगे, फिर तो भागेंगे हम लोग। अभी तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अब थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी 7 क्लास पास किए हो ना, हाँ 8 प्लस चल रहा है अभी, ठीक। तो और थोड़ी दिन में करीब करीब 1 महीने के बाद आपकी सोचने की ताकत भी खुलने लगेगा। कुछ मैथमेटिकल एबिलिटीज आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या आप लोगों को मालूम है 35 का स्क्वायर कितना होता है, निकालना मना है? नहीं मालूम है? आई टेल यू। ऐसा कोई भी नंबर है 35 का स्क्वायर, तो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 4, 3 इंटू 4 क्या हो गया, 12, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, आंसर हो गया 25, समझ में आया। 75 का स्क्वायर बताइए, 7 का नेक्स्ट नंबर 5625, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ लॉजिक्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्लूज आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा फास्टर होने के लिए। सपोज मैं आपको पूछता हूं, बताओ 38 इंटू 32 कितना होगा, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 4, 3 इंटू 4 कितना होता है, 12, 8 इंटू 2 कितना होता है, सर इतना आसान तो नहीं बताया गया कभी, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन से ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कब एप्लीकेबल है, जब इन दोनों को जोड़ने से 10 होता होगा, समझ में आ रहा है, 8 और 2 को जोड़ने से 10 होता है ना, तभी ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या बता सकते हो अभी मुझे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 83 इनटू 87 मल्टीप्लाइड, हाँ 8 का नेक्स्ट नंबर
9. 18 into 9? 72. 3 into 7? 21. तो ऐसे कुछ क्लू होने से क्या होगा कि आपको जेई वगैरह एंट्रेंस वगैरह जब दोगे तो उसमें क्या होगा कि दो दो मिनट डेढ़ डेढ़ मिनट मिलता है, मेडिकल एंट्रेंस में तो 1 मिनट मिलता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है, फिर उसको डार्क करना है, सारा 1 मिनट में है ना, बहुत मुश्किल। 1 मिनट 10 सेकंड करीब करीब मिलता है, जेई में 2 मिनट मिलता है। जेई के क्वेश्चन तो और भी टफ होते हैं, 2 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है, फिर उसको डार्क करना है, 2 मिनट। अभी तो अगर सपोज आप लोग जेई दे रहे हो, कोई आसान क्वेश्चन है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन आ गया, पता चला इसी को निकालते निकालते 2 मिनट निकल गया है कि नहीं, तो आपको बहुत फास्ट होगा। ऐसे हम बहुत सारे क्लू भी आपको धीरे धीरे देंगे, समय के समय आप लोग ये सब चीजों को सीखोगे तो कर पाओगे। क्या ये दोनों क्लू आप लोगों को समझ में आया आज का? कुड यू फॉलो? तो फटाफट बिना कुछ कैलकुलेशन किए बताना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 15 का स्क्वायर? 225। ये तो पहले से मालूम था, मेरा वाला लॉजिक लगाओ। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 2। 1 into 2 2 2 और ये 25। अच्छा बताओ क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर? 10 का नेक्स्ट नंबर 215। ओह 10 का नेक्स्ट नंबर 11। 11 into 10 110 है ना, आसान। 95 का स्क्वायर 9025। आ गया समझ में? अच्छा ये समझ में आ गया। दूसरा जो बताया, जैसे मैं पूछता हूँ कि सपोज आई विल आस्क यू व्हाट इज 67 इनटू 63? 4221। आया समझ में? सपोज मैं आपको कोई भी नंबर, बस ये दोनों सम 10 होना चाहिए और ये 67 63 हाँ समझ में आ रहा ना। अगर मैं कहूंगा कि सपोज 24 into 36 नॉट एप्लीकेबल, ये दोनों नंबर बदल गए, ये दोनों नंबर बराबर होंगे, दोनों मिलके 10 हो रहे होंगे तभी एप्लीकेबल है। जैसे मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 into 26? 6 6 2 4 6 2 4। समझ में आ गया ना? अगर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, से बड़ा सा डिफिकल्ट सा दे देता हूँ, से इट इज 73 into 77, जल्दी बताओ कितना होगा? 5 6 2 1 5 6 2 1। अभी समय बचने लगा ना, बस खत्म। तो ऐसे तो बहुत सारे क्लू आएंगे धीरे 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 आप लोग सीखोगे। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते बीच में थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐसे दे देंगे आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ठीक है? तो फिर हम लोग मिल रहे हैं कल शाम को, नहीं 7:30 पे, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।